जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, तो इस रोमांचक मुकाबले के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी आज का ये रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो वहीं विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 20 ओवर में केएल राहुल के अर्धशतक और रविंद्र जडेजा के तेज 44 रन की पारी के दम पर 7 विकेट खोकर 161 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 162 रनों का टारगेट मिला। तो वहीं दोस्तों, आज टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को खराब शुरुआत मिली थी, जहां पर 6 गेंदों में 1 रन बनाकर ही शिखर धवन क्लीन बोल्ड हो गए थे और उनको मिचेल स्टार्क ने पवेलियन भेजा था। तो वहीं फिर बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली भी आज अपना जलवा नहीं दिखा पाए। जी हां दोस्तों, आज विराट कोहली मात्र 9 गेंदों में 9 रन बनाकर ही आउट हुए, तो जिसके चलते भारतीय टीम के 2 विकेट मात्र 48 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे। तो वहीं फिर संजू सैमसन और केएल राहुल ने पारी को कुछ हद तक संभाला, लेकिन संजू सैमसन भी 15 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं मनीष पांडे ने आज 8 गेंदों में 2 रन बनाए और वहीं हार्दिक पांड्या ने भी आज कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं दिखाया, वो 15 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय टीम की तरफ से जो शानदार बल्लेबाजी की वो की केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने। जी हां दोस्तों, आज के इस मुकाबले में केएल राहुल ने 40 गेंदों में 51 रन बनाए, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 23 बॉलों में ही 44 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं दोस्तों, इन्हीं बल्लेबाजों की पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 161 का स्कोर बनाया और 162 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआत में आते से ही ताबड़तोड़ रन बरसाने चालू कर दिए थे। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां एरन फिंच हर एक गेंद पर छक्के और चौके मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ DRC शॉट भी अपना बल्ला नहीं रोक रहे थे और वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि आज भारतीय टीम का खेल यहीं पे ही खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों को तो हम कम नहीं समझ सकते। यहां पर जब भारतीय टीम के गेंदबाज पिट रहे थे तो वो गेंदबाजी करवाने के लिए आते हैं युजवेंद्र चहल, जहां पर युजवेंद्र चहल हार्दिक पांड्या के हाथों एरन फिंच को आउट करवा देते हैं और एरन फिंच आज के इस मुकाबले में 26 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट होते हैं। और वहीं फिर वो स्टीव स्मिथ का भी विकेट संजू सैमसन के हाथों में पकड़ाते हैं, जहां पर स्टीव स्मिथ 12 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने आज के इस मुकाबले में मात्र 2 रन बनाए होते हैं और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 विकेट 75 रनों के स्कोर पर गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हैं DRC शॉट और मोइसेस हेनरिकेस। हालांकि जहां पर DRC शॉट 38 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट होते हैं और उनका कीमती विकेट टी नटराजन लेने का काम करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी का दबदबा एक बार फिर से देखने के लिए मिला। टी नटराजन और युजवेंद्र चहल ने 2 और 3 विकेट लेकर बता दिया कि आखिरकार भारतीय टीम की बल्लेबाजी को क्यों दुनिया की सबसे अच्छी बल्लेबाजी कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज का ये मुकाबला देखने के बाद अब आप भारतीय टीम को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।